नीतीश कुमार, तो नीतीश ने भेजा था भाजपा के पास अपना दूत। नीतीश कुमार ने भाजपा के पास अपना दूत भेजा था, इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनके नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी ने नई सरकार के पहले दिन ही बता दिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की जदयू का समर्थन क्यों किया। उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले 48 घंटों में जदयू को तोड़ने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर कर बिहार में नई सरकार बना ली। उन्हें एक बार फिर राजद को छोड़कर एनडीए का दामन उन्होंने थाम लिया। नीतीश कुमार नवी बार मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश की नई सरकार का आज पहला दिन है और पहले ही उनके डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। सम्राट चौधरी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पिछले 48 घंटों में जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के सरकार में रहने के बावजूद लोग ये बोल रहे थे कि 2024 में जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगी, लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया जा रहा था। सम्राट चौधरी ने कहा कि कल लोगों को प्रस्ताव मिला था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को सरकार बनाने में मदद करे। उसके बाद उनका दूत भी हम लोगों के पास आया और हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए बीजेपी ने 1996 में समता पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया था और लगातार एनडीए बनाकर लड़ती रही। 2005 में जंगल राज को समाप्त करके बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, आपको बताते चले। लगातार सम्राट चौधरी ने ऐसा दावा किया कि जीतन राम मांझी का भी हमारे साथ सहयोग है, सभी लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो भी काम अधूरे रहेंगे उनको पूरा करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।